बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू रैकून मीडिया स्किल्स। सो आज जो मैं चीज़ मींस के हमारी टीम ने जो चीज़ें डिसाइड की हैं आफ्टर वेबिनार और जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बहुत सारे मेंबर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखें कि पूरा जो प्रोग्राम है ना, जो आपका 40 डेज़ का प्रोग्राम है या 50 डेज़ का या 60 डेज़ का या 3 मंथ्स का, ठीक है, वो टोटली फ्री नहीं दिया जा सकता। क्योंकि उसका रीज़न है कि पाकिस्तान के अंदर अगर बिल्कुल फ्री पढ़ाना शुरू कर देना तो मेंबर्स नहीं आते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ आपको डिलीवर की जाती है उस चीज़ के अंदर कोई कमी पेशी नहीं होती है, आप स्किल सीखते हैं, पढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे निकले हैं। सो अभी जो हमने चीज़ें डिसाइड करके जो लॉन्च करने लगे हैं वो 40 डेज़ का प्रोग्राम है। ये 40 डेज़ का प्रोग्राम उनके लिए कि जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आ जाते हैं, चाहे वो मैट्रिक के हों, कॉलेज के हों या यूनिवर्सिटीज़ के हों, ठीक है, वो अपना आईडी कार्ड शो कराएंगे, ठीक है, और इस बैच के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। सेकंड, वो जो जॉब करते हैं, ठीक है, अगर उनके पास आईडी कार्ड है देन वो शो कराएंगे, अदरवाइज नो इशू। जो बिज़नेस करते हैं वो अपना आईडी कार्ड शो कराएंगे, मीन्स के बिज़नेस कार्ड शो कराएंगे। और आईडी कार्ड का मतलब है कि कॉलेज का कार्ड, और जॉब आईडी मतलब जहाँ जॉब करते हैं वहाँ का कार्ड शो करवाएंगे, देन उसके बाद बैच के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। वो मेंबर्स के जो फीस अफोर्ड कर पाते हैं, लेट्स से कि हमारे जैसे 15,000, 20,000 और 50,000 के बैचेज हैं, फीस अफोर्ड कर पाते हैं लेकिन करंटली नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ओपन है, ठीक है। सेकेंड चीज़ कि इस 40 डेज़ के प्रोग्राम के बाद आप इंशाल्लाह इस कैपेबल होंगे कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, मार्केट में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना ओन ब्रांड मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप मार्केट में जॉब करने के लिए जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छी जॉब भी मिलेगी। हम इस कोर्स के बाद आपको प्रॉपर जो है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, जो कि TCS से आपके जो है होम डोर पर जो है आपको रिसीव होगा, और उसके थ्रू जो है आप मार्केट में जॉब भी कर सकते हैं। एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये 40 दिन का जो प्रोग्राम है, आफ्टर दिस प्रोग्राम, जिस बंदे को फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड अलिफ भी नहीं आता, वो भी आफ्टर 40 डेज इस कैपेबल होगा, इतने लेवल पर होगा कि मार्केट में जस्ट जॉब के लिए भी जाता है या कोई भी स्टूडेंट जो जॉब के लिए जाता है वो मिनिमम 70-80 हज़ार रुपये की जॉब मिनिमम हासिल कर सकता है, बहुत आसानी से। बट शर्त यह है कि जो चीज़ पढ़ाई जाएगी आपने वैसे ही पढ़नी है, अपना दिमाग इधर उधर नहीं लगाना, ना उन बच्चों की तरह या उन मेंबर्स की तरह दिमाग को जो है ना छलांगे लगवानी है कि ये तो जस्ट थ्योरी पढ़ा रहे हैं या ये तो जस्ट ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल के ऊपर नहीं आ रहे हैं। अगर आपको जस्ट प्रैक्टिकल सीखना है, आप यूट्यूब के ऊपर जाएँ, हर बार बार यही बात कहते हो कि 15-20 मिनट में ऐड चलाना सीख जाएंगे। अगर प्रोफेशनली पढ़ना है तो आपको ये पूरा प्रोग्राम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, आपको किसी अदर इंस्टीट्यूट से पढ़ना है तो आप जाके पढ़ें, लेकिन प्रॉपर पढ़ें ताकि ग्रो कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट लेके चलता हूँ कि इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली करवा क्या रहे हैं, बड़े गौर से सुनना है, ठीक है। सारे मॉड्यूल्स ऑलमोस्ट जो है बार बार बताए जाते हैं, अगेन बताता चलूँ, हमारे पास इसके ना टोटल 8 मॉड्यूल्स होंगे। ये 8 मॉड्यूल्स टोटल हमारे जो है सिस्टम लर्निंग थ्योरी, एल्गोरिदम, फनल स्ट्रक्चर्स, स्केलिंग, एड मैनेजर, पॉलिसीज, क्राइटेरिया, केस स्टडी और लास्ट में प्रैक्टिकल को टच देंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल की हमेशा हमारी क्लासेस लास्ट में होती हैं, ठीक है। और इसकी PDF भी आप सबको फॉरवर्ड कर दी जाएगी जो इंटरेस्टेड होंगे। देन उसके बाद आ जाए केस स्टडी। केस स्टडी बेसिकली होती क्या है, हम जो है प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्किंग करते हैं, ठीक है। और ये हर एक चीज़ करवाई जाती है, इसके पूरे पूरा पूरा सेटअप और पूरा पूरा सिस्टम बनवाया जाता है, ताकि आफ्टर कोर्स अगर आप सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, रियल इस्टेट कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं या रियल इस्टेट वाले खुद अपनी मार्केटिंग करते हैं, तो उनको किसी अदर बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो क्या क्या इंक्लूड है ज़रा उनको देख लेते हैं। रियल इस्टेट के अंदर आते हैं कि हाउ टू टारगेट ओवरसीज ऑडियंस। ओवरसीज जो रियल इस्टेट की कोर ऑडियंस होती है, जो सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, उनको किस तरीके से टारगेट किया जाता है, ठीक है।
सेकेंड, जो लीड्स आपके पास कन्वर्ट होती हैं, जो लीड्स आपके पास लैंड करती हैं, उनको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। याद रखिएगा कि कन्वर्ट करना एक आर्ट है और उस आर्ट को सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपके पास कोई लीड आ गई, आपने उसे फ़ोन पे बात की, बस जो टेक्स्ट वगैरह जो मैंने अपना बायो बनाई हुई उसे फॉरवर्ड कर दिया। ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से सेल्स ने आपकी लीड्स जो हैं कन्वर्ट नहीं होती हैं, सेल जनरेट नहीं होती, आपको उसका पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। वो सब चीज़ें पढ़ेंगे कि हमारे पास 10 लीड्स भी आती हैं तो 7 उनमें से कैसे कन्वर्ट होंगी, वो पूरा स्ट्रक्चर्स पढ़ा जाएगा, वो पूरा सिस्टम पढ़ा जाएगा, बनाया जाएगा। देन उसके बाद रियल इस्टेट के अंदर मंथली 5,000 से 10,000 लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, क्या उसके पीछे ट्रिक्स हैं, क्या वर्किंग है, क्या वर्किंग क्राइटेरिया है, हम लोग किस तरीके से काम करते हैं कि मिनिमम अमाउंट के अंदर हम 5,000 से 10,000 लीड जनरेट कर सकें, ये प्रॉपरली सिखाया जाएगा विद प्रैक्टिकल। ठीक है। देन उसके बाद रियल इस्टेट के फनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर सारी वर्किंग होगी, हर एक चीज़ सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। याद रखिएगा कि मार्केटिंग जो आप लोग समझते हैं वैसा नहीं है, आपको इस चीज़ को पढ़ना होता है, सीखना होता है कि बेसिकली मार्केटिंग है क्या, जिस टूल के थ्रू आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो बेसिकली है क्या। अब मैं जो है ना रिसेंटली अभी एक मेंबर हैं, नाम भी लेता हूँ, रेहान, उन्होंने जो है कमेंट किया और जो है मेरे पास आया कि आपने जो ये चीज़ दी है बेफजूल है, ये तो जस्ट इसके ना थ्योरी है, सिस्टम है नहीं, आपने पढ़ना नहीं है। देन आपके इस तरह के कमेंट्स आते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देता हूँ। ठीक है, सो बुरा मानने वाली चीज़ बात नहीं है। उसका रीज़न ये कि आपको जो है नॉर्मल टीचर बैठ के नहीं पढ़ा रहा है, हमारे पास इतना फारिक टाइम नहीं है कि हम आपको चीज़ें डिलीवर करें। पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से पढ़ाना और इस चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना कोई वजह है, वजूहात हैं कि पाकिस्तान के हालात देखे जाएँ और यहाँ पे बेरोज़गारी देखी जाए। आपको स्किल्स दिए जा रहे हैं लेकिन आप एक तो पढ़ते नहीं है, ऊपर से बस आज आंख बंद किए सुबह उठे तो 1 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट के अंदर पड़े हुए, तो इस तरीके से वर्किंग नहीं होती है। ठीक है, आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। सेकंड आ जाते हैं ई कॉमर्स के अंदर, सेम एज इट इज़, हाउ टू डायरेक्टली टारगेट कैसे करें अपनी टारगेटेड ऑडियंस को कि हमारे डे वन से सेल कन्वर्ट होना शुरू हो। ठीक है, डायरेक्टली अपने बायर्स को कैसे टारगेट करते हैं, अपने बायर्स का ग्राउंड कैसे निकाला जाता है कि हमारा एड नज़र ही हमारे बायर्स को आए। बायर्स का मतलब क्या होता है, वो लोग, लेट से कि अगर मैं रियल इस्टेट या ई कॉमर्स के अंदर बात की जाए कि मैं जो है मैंस टी शर्ट सेल आउट कर रहा हूँ, तो मैं कैसे अपना ग्राउंड निकालूंगा। उस ग्राउंड का बैकएंड क्या होता है कि उन लोगों का डेटा बनाया जाता है मार्केट से निकाल के, फिल्टर करके, कि जो लास्ट 3 से 4 मंथ से मुस्तकिल परचेजिंग कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनका डेटा निकाल के फिर आगे फेसबुक को देके वर्किंग की जाती है। ठीक है, और सेम एज इट इज़ जो है फिर जो आपकी लीड्स आ रही हैं उनको कैसे सेटिस्फाई करके कन्वर्ट किया जाता है सेल में, पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि कंटेंट बना के डाल दिया, मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ, आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियोस बनानी पड़ती हैं, उसका कंटेंट रेडी करके आपको वर्चुअल वीडियोस बनानी पड़ती हैं, क्योंकि आप डिजिटली चीज़ को सेल आउट कर रहे हैं तो अपनी ऑडियंस को वर्चुअल टूर करवाते हैं, अपनी प्रोडक्ट का वर्चुअल टूर्स करवाते हैं। ठीक है, फिर ट्रस्ट लेवल की जो है वीडियोस बनती है, फिर बायोग्राफी बनाई जाती है, ये प्रॉपर एक सिस्टम बनाया जाता है कि जो आपकी ऑडियंस आ रही है वो आपसे मिसप्लेस ना हो। देखिए, क्वालिटी की लीड्स निकालना एक अलग आर्ट है, वो हम अपने ऐड से निकालते हैं, बट उनको कन्वर्ट करना इन सेल ये सेकेंड आर्ट है, और इस चीज़ का सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम एज इट इज़ पे सर्विसेज के ऊपर आते हैं कि वो मेंबर्स के जो मार्केट में चीज़ पढ़ने के बाद, कोर्स के बाद मार्केट में सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है पूरी केसेस रेडी है, वो भी मैं बताता चलूँ कि विदाउट, देखें ई कॉमर्स के अंदर रियल इस्टेट के अंदर आपको स्पेंडिंग करनी है, बट जब आप जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे आपको स्पेंडिंग बजट नहीं लगाना है। जो आपके फिक्स एसेट है वो एक सेपरेट चीज़ है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है, बट आपको जो स्पेंडिंग बजट लगाना है वो नहीं लगाना है। उससे हट कर आप किस तरीके से डायरेक्टली ऑनर्स को टारगेट करेंगे, ठीक है, और जो आपके पास लीड्स कन्वर्ट होंगी उनको कैसे, जो लीड्स आएंगे उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे
कि जो भी लीड आ रही है वो क्लाइंट की तरफ अप्रो क्लाइंट की तरफ कन्वर्ट हो, ठीक है। सो उससे रिलेटेड जो है पूरा सिस्टम बनेगा, जिस तरीके से हम लोग जो है लीड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, ई कॉमर्स के अंदर लीड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, रियल इस्टेट के अंदर सेम एज इट इज सर्विसेज के अंदर भी लीड्स को कन्वर्ट किया जाता है क्लाइंट को कन्फर्म करने के लिए, ठीक है। बड़ी डिटेल के अंदर ये टॉपिक्स हैं। 40 डेज़ का टाइम पीरियड क्यों है, इसी वजह से है कि जो चीज़ें पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, हर पॉइंट के पीछे, हर टैग लाइन के पीछे, हर एक चीज़ के पीछे पूरा सिस्टम है, वो सब पढ़ना है, देन उसके बाद आप वर्किंग करते हैं तो फिर आप मार्केट में ग्रो करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ जो ऊपर मैंने मिस कर दी वो आपको बताता चलूँ कि इस कोर्स की जो फीस है वो 5,000 फीस है, ठीक है। इस कोर्स की जो फीस है वो 5,000 है, और इसके अंदर भी जो लोग 5,000 एक वन टाइम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो 50% जो इसकी फीस है, मीन्स के 2,500 2,500 रुपये जो आपकी फीस है वो आप पे करेंगे एडवांस में, और रिमेनिंग जो 50% है वो पे करेंगे आफ्टर 20 डेज, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे आप पास आ जाती है कि एक तो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, देन उसके बाद साइड इनकम, मीन्स के प्रॉपर वर्किंग करने के बाद हमारी एक साइड इनकम बने थ्रू इंटरनेट, थ्रू आर डोमेन्स, ठीक है। सो उसके लिए प्रॉपर वर्किंग है, थोड़ा मैं समझाता चलूँ कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन, फेसबुक मोनेटाइजेशन और इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन, मार्केट के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आप डेमो चीज़ें लैंड करवा देते हैं और उसके बाद जो है पब्लिक आती है और आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, इस तरीके से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जब आप मोनेटाइजेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, सब चीज़ें कंप्लीट करने के बाद, अपना वॉच टाइम, अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, देन उसके बाद जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे रिजेक्शन आ जाती है, ठीक है। सो प्रॉपरली वर्किंग किस तरीके से की जाती है, अपने चैनल को अच्छे तरीके से किस तरीके से रन किया जाता है कि आपकी कोई भी चीज़ में गैप ना आए या इशू क्रिएट ना करे। लेट्स से कि यूट्यूब को डिस्कस करते हैं कि यूट्यूब थंबनेल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है, जो फ़ौरन अट्रैक्ट करते हैं और आपके वीडियो को जो है बूस्टअप देने के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, ठीक है। फिर आपका वीडियो का कंटेंट कैसा होना चाहिए, कंटेंट बनाने के लिए किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। मोनेटाइजेशन देखें, अगर आप प्रॉपर वर्किंग करते हैं, मोनेटाइजेशन की बात नहीं करते, चैनल के ग्रो की बात करते हैं, चैनल ग्रो होता है देन मोनेटाइजेशन आपकी ऑटो जो है कंप्लीट होती है। सो एक 12 महीने का पूरा राउंड फिगर है, ये 12 महीने का राउंड फिगर अगर आप डेली का 1.5 घंटा अपने चैनल को देते हैं, जस्ट 1.5 आवर्स देते हैं, तो 12 महीने के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज होके ग्रो कर चुका होता है, और आफ्टर 12 मंथ्स मीन्स के 13वें महीने से आपको महीने का 1 लाख से 3 लाख जनरेट करके देता है। यह आपकी साइड इनकम होती है, जस्ट मेहनत है, कोई पैसा नहीं लग रहा, डेली का 1.5 घंटे का काम है। किस तरीके से वर्किंग करनी है कि 1.5 घंटा तो नहीं, लोग तो 24 24 घंटे काम करते हैं, जो 24 24 घंटे काम करते हैं वो क्यों काम करते हैं, एक चैनल के ऊपर नहीं काम करते हैं, मैं जस्ट वन चैनल की बात बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठ है। सो यूट्यूब मोनेटाइजेशन है, फेसबुक मोनेटाइजेशन है, इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन है, मीन्स के अदर साइड इनकम है कि जो आपकी 12 महीने के बाद स्टार्ट होनी ही होनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी इसके अंदर। अगेन बताता चलूँ कि 40 दिन का प्रोग्राम है ये। सो जिस मेंबर को ज्वाइन करना है ये प्रोग्राम, ये बैज, वो जो है कांटेक्ट करेंगे, और जो है स्टार्टिंग डेट इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। थैंक यू।